फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। जैसा कि आप मतलब मेरा टैग देख के समझ चुके होंगे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आप लोगों से शौर्य और अनोखी की कहानी के मतलब के बारे में, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो कि वो ऑफ एयर होने वाला है उसके बारे में एक न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो उनके भी फैन हैं, मतलब साखी के भी फैन हैं, और वो शौर्य और अनोखी की कहानी मतलब बहुत प्यार से देखते हैं, उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मतलब जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो एक्चुअली सबको पता है कि ये शो ऑफ एयर होने वाला है। ऑब्वियसली मतलब मेकर्स ने काफ़ी कोशिश की कि इसकी TRP 1.0 से कुछ तो बढ़े। मतलब जो इसके मेकर्स थे, मतलब सभी को ये, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट 1.5 इसकी TRP बढ़ेगी, बट मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद इसकी TRP मतलब नहीं बढ़ पाई। दैट्स वाई इन लोगों को डिसाइड करना पड़ा कि अब इसे ऑफ एयर करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेकर्स जो कोई भी सीरियल बनाते हैं तो उससे कुछ मतलब उन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, अगर उतना नहीं हो पाता है सो उन लोगों को शो बंद करना पड़ता है। तो इसी रीजन से मतलब अभी तो 2 महीने का एक्सटेंशन मिला हुआ था जो कि अब खत्म हो रहा है। जैसा कि ट्विटर पे एक मतलब देवतमा मैम ने ट्वीट किया था कि अगर इस मंथ मतलब ये शो का मतलब रैप अप हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, सो उन्हें बहुत मतलब दिल से बुरा लगेगा। ऑब्वियसली इनके फैंस को भी बुरा लगेगा क्योंकि इतने ही दिनों में काफ़ी फैंस इनके भी हो गए, और मतलब दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं मतलब इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट की इन लोगों की कहानी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज से रिलेटेड रहता है तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही देखते हैं और मतलब खुद को रिलेट कर पाते हैं उन सब चीज़ों से, क्योंकि ऐसा होता है रियल में भी कभी कभी। सो मतलब काफ़ी जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे इन लोगों को, बट मतलब इट्स अ सैड न्यूज़ यार। मतलब कोई भी शो जब जैसे कि अभी स्टार्ट हुआ था और जल्दी बंद होने वाला रहता है, और अगर हम उसे रेगुलरली देखते हैं, उनकी जोड़ी को पसंद करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है दिल से अगर अचानक ही ऐसा बोल दिया जाता है कि अब सीरियल बंद होने वाला है। सो मतलब उसके लिए मैं भी बहुत मतलब मैंने स्टार्टिंग में देखती थी, उसके बाद फिर मैंने बीच में मतलब ड्रॉप कर दिया था, मतलब नहीं देख पा रही थी टाइम की वजह से। लेकिन मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगता था सीरियल, लेकिन उसके बाद फिर मतलब बीच में थोड़ा सा मतलब जो स्टोरी खिंच गई थी और वो कोविड के चक्कर में कुछ लोग आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, मुझे ये दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। मतलब जो भी उसके फैंस हैं उनके लिए ये न्यूज़ मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये पहुँचा दूँ कि मतलब उन्हें भी बुरा लग रहा है, और आप मुझे पता है कि आप लोगों को भी बुरा लग रहा है, बट अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि TRP बढ़ नहीं रही है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पांड्या स्टोर देखा करिए। अगर आप लोग पांड्या शिवी के फैंस हैं, पांड्या स्टोर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, सो प्लीज़ उसे 7:30 बजे देखिए, ताकि उसके TRP मतलब बनी रहे, जितनी है एटलीस्ट उतनी बनी रहे, ताकि हमारा शो चलता रहे और हमें शिवी जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलती रहे। क्योंकि मेकर्स को अगर फ़ायदा नहीं होगा, मतलब उनकी जो इच्छा है, मतलब जो उन लोग एक शो से उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अगर कंप्लीट नहीं होती है, सो उन लोग शो को ऑफ एयर कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। सो हम मतलब उससे उनका कुछ नहीं, बट हम फैंस का बहुत मतलब वो होता है कि हमारा दिल टूट जाता है, हम इतने प्यार से देखते हैं और शुरू से जुड़े रहते हैं उनके साथ, और अचानक ऐसा हो जाता है तो मतलब। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, मेरी ये अपडेट मतलब न्यूज़ ही है, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।